अगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का, हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट का। सब अक्टूबर पुलिस स्टेशन आए हैं, मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, क्या जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान हजारी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोबर पुलिस स्टेशन में भी आया, मुफ्ती सलमान हजारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुँचाई है, ना किसी धर्म विशेष के आगे इसमें मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम आए, DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, अभी उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात घर जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद बता रहा हूँ 153B लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना, नोटिस दो हमको, पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का, हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे, उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ाया, और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर, तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने, तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है, और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे पार किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके धर्म में, अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण नारे लगा कर, तो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं, मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया, किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं, एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा, आपको यकीन है कहा हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, और ये जो ट्रैफिक को और ये माहौल को जिस तरह से दिया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे भक्त में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं तो रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें,
पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ मेरे प्यार से, मेरे प्यार से अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह।